हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th और 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि पीएच मान, रक्त का मान, ये सभी चीज़ जो है पूछ लिया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको भी देखकर लगेगा कि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बैंक अगर आप चेक कीजिएगा तो उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन बार बार मिलेंगे, हर एक एग्जाम में मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है पीएच मान के 7.0 से 7.8 में है, जो है सही रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तब यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडा अम्ल अग्नाशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो इसमें जो है उपयोगी यौगिक होता है फिटकरी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा मतलब इसी में किसी तरह भी निकाल सकते हैं आप, बहुत सारा रासायनिक सूत्र होता है लेकिन इसी में होता है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजक के लिए ब्लीचिंग पाउडर प्रयुक्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ये जो है टमाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होता है। तो इसका पीएच मान 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान आप सभी लोग जानते होंगे 7 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो निम्नलिखित में से CaO बुझा हुआ चूना है। आप लोग एक बार जान लीजिए कि इस वीडियो का PDF लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको उस वेबसाइट में भी दिखाई पड़ेगा। वो ओके स्टडी जोन का खुद का वेबसाइट है, तो आप लोग वहाँ जाकर प्लीज़ विजिट करें और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आप सेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो निम्नलिखित में से CaO बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, यह है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O। ठीक है, Na2CO3 into 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कुछ लोग जानते हैं कि चींटी में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो वो भी सही है। तो यहाँ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल, इसका मतलब भी वही हो जाता है मैथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोजन बनाएंगे। ये जो है सोडियम एवं पोटेशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस 20 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें से कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो आप लोग जानते ही हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे लाल बटन दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ आप लोग कित कित खेलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।